बेगूसराय के न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जज भानु प्रताप सिंह और डीएम राहुल कुमार ने किया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत के मद्देनजर न्यायालय परिसर में खासी गहमा गहमी देखने को मिली। लोग पूरी उत्सुकता से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित हुए। अपने संबोधन के दौरान जिला जज ने लोक अदालत की अनिवार्यता पर चर्चा करते हुए बताया कि लोक अदालत न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुलभ तरीके से निष्पादन करती है, बल्कि इस वजह से न्यायालय पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को भी कम किया जाता है। हमारे ऊपर बैंक का केसीसी का कर्ज था जो हम नहीं दे पा रहे थे, आज यहाँ आए हैं और बैंक के द्वारा वो मूलधन राशि में समझौता करके जो भी इंटरेस्ट हम पे सूद था बैंक का उसने माफ कर दिया, तो हम काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। सरकार के द्वारा चलाया गया, न्यायालय के द्वारा जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनके लिए काफ़ी लाभक और फायदेमंद है। मौके पर मौजूद उपस्थित वकीलों ने भी लोक अदालत को सरकार के द्वारा एक सराहनीय कदम बताया। हम लोगों को फायदा ये होता है कि कोर्ट के किसी जजमेंट में कोई पक्ष हारता है या कोई पक्ष जीतता है। इस न्यायालय की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी पक्ष जीतते हैं, कोई हारते नहीं है। और सबसे बड़ा इसका उपलब्धि यह है कि सामाजिक सौहार्द बना रहता है। समाज में हारने जीतने में जो प्रतिस्पर्धा होती थी वो समाप्त होता है और ये सामाजिक समरसता के आज को जागृत करने में फैलाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। लोक अदालत में मामले की तुरंत से लोग खासा खुश दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि कई मामले जो कई सालों से चल रहे थे आज इस लोक अदालत में आने पर आसानी से सुलझ गए। यहाँ समय और धन दोनों की बचत हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।